आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। यौन शोषण के आरोपों में घिर गए हैं मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया है यौन शोषण का गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री को ट्वीट किया, अनुराग पर कार्रवाई की मांग की। पायल घोष दक्षिण की फिल्मों में अभिनय कर चुकी है, टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में भी काम कर चुकी है। गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री से मदद की गुहार की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों पर अनुराग कश्यप ने भी पलटवार किया, ट्वीट किया, लिखा, पायल के आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। कहा, मुझे चुप कराने के लिए अभी बहुत आक्रमण होने बाकी है। अनुराग कश्यप ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए जिसमें ये सारी बातें लिखी। उन्होंने लिखा, जाने कहां कहां से आएंगे तीर ये नहीं पता, मुझे चुप कराने का इतना समय ले लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अनुराग कश्यप, नाम तो सुना ही होगा, पहचानते भी होंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर इन्होंने ही बनाई थी, और भी कई फिल्में बनाई हैं। निर्माता तो हैं ही, अभिनेता भी हैं, कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है। इन सबसे इतर देश के हर मुद्दे पर अनुराग कश्यप मुखर होकर बोलते हैं। अभी 2 रोज पहले ही कंगना से भिड़ गए थे, वहां भी कुछ कुछ बोले ही थे, मगर इस बार अनुराग कश्यप की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप लगाए हैं अभिनेत्री पायल घोष ने। पीएमओ को टैग करके ट्वीट किया है। अनुराग कश्यप ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे बुरी तरह फोर्स किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी, कृपया कार्रवाई करें और देश को इस रचनात्मक आदमी के पीछे का हैवान देखने दें। मैं जानती हूं कि मुझे नुकसान पहुंच सकता है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। Well, it's very normal thing in film industry, and being into relationship and being kind of in a physical relationship is nothing, not a big deal. You should understand that how big a person I am, and you should not deny, or you should not throw tantrums, or you should not even think of not getting involved with me, and that will benefit you in your near future. पायल घोष के इस ट्वीट के बाद तुरंत कंगना रनौत ने रीट्वीट कर दिया। हर किसी की आवाज का महत्व है, मी टू, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। कंगना ने तो अनुराग कश्यप से खैर अपनी बैर निकाली है, मगर पायल घोष के ट्वीट पर तुरंत ही महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आप मुझे अपनी शिकायत विस्तार से भेज सकती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग मामले को देखेगा। रेखा शर्मा की इस ट्वीट के बाद पायल घोष ने एक और ट्वीट किया, धन्यवाद, मैं शिकायत करूंगी। अनुराग कश्यप सरकार के विरोध में अक्सर आवाजें बुलंद करते नजर आते हैं, मगर इस बार उन पर खुद गंभीर आरोप लगा है। देखना होगा कि अपनी सफाई में अनुराग कश्यप क्या कहते हैं। आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ श्रुति बिरजातिया, मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। श्रुति, बड़ा सवाल यहां पर सीधे सीधे ये है कि ये आरोप बहुत पहले से लगते आए हैं, और जिस तरीके से पायल ने आरोप लगाए, जब आपने पायल से बात की, अभी तक वो चुप क्यों थी, क्यों नहीं बोली अभी तक? और ऊपर से अनुराग का ये कहना कि ये इसलिए आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत मुखर होकर बोलते हैं। जी नवजोत, हमने जब पायल से बात की तो पायल से सबसे पहला सवाल यही था कि जब मी टू मोमेंट उठा था तब हर कोई आके अपनी अपनी कहानी बता रहा था, तब आपने इस बारे में बात क्यों नहीं की? तो पायल का उस वक्त कहना था कि जब मैंने कोशिश की थी, कई बार बोलने की कोशिश की थी, मैंने ट्विटर पे एक बार इनफैक्ट पोस्ट भी किया था लेकिन तुरंत डिलीट किया। अकॉर्डिंग टू पायल, उनका ये कहना है कि उनके दोस्तों ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनकी फैमिली ने पायल को कहा कि ये मत पोस्ट कर, तेरे करियर पर इफेक्ट पड़ेगा और तू तेरे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए पायल ने उस वक्त, अकॉर्डिंग टू पायल, ये सारी बातें नहीं निकाली। जब उनसे पूछा गया कि अब इस वक्त क्यों, तो पायल का ये जवाब था कि क्योंकि अनुराग कश्यप काफी वोकल है, अनुराग कश्यप पैट्रियार्की की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं,
तो इसीलिए जब मुझसे पूछा गया सुशांत और कंगना के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। और इन दैट एक्सपीरियंस पायल घोष ने सीधे ट्विटर पे पीएमओ को टैग करते हुए लिखा कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और इतना गलत अनुराग कश्यप ने किया। पायल घोष का ही इंसिडेंट जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 2014 के एंड और 15 के बीच में हुआ था। उस वक्त अनुराग कश्यप जो है वो बॉम्बे पायलट की शूट कर रहे थे। पायल का कहना है कि वो पहली बार जाती है अपने मैनेजर के साथ, उनसे मिलती है, मीटिंग अच्छी होती है, फिर अनुराग कश्यप उन्हें घर बुलाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, तो वो वहाँ घर भी जाती है, एक मीटिंग में खाना वाना भी खाती है, फिर नेक्स्ट डे अगेन अनुराग कश्यप उन्हें बुलाते हैं और फिर वो वापस से घर जाती है। जब वो उनके घर जाती है दूसरी बार, तब अनुराग कश्यप उनको फोर्स करते हैं और अपने साथ सब करने के लिए मजबूर करते हैं। और इसी बीच में एक बड़ी बात यह है कि पायल ने उन सारे एक्टर्स के नाम दिए, एक्ट्रेसेस दिए हैं जिनके साथ अनुराग कश्यप ने काम किया है, तो चाहे वो हुमा कुरैशी हो, ऋचा चड्ढा हो जी, या फिर माही गिल। और इसी सिलसिले में जब हम सब इंतजार में थे कि अब अनुराग कश्यप का क्या रिएक्शन आएगा, क्या पोस्ट आएगा, तो फाइनली अनुराग कश्यप ने ट्विटर का सहारा लेते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर था और अभी तो कई सारे तीर आना बाकी है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही गहमा गहमी है। एक तरफ उनके ऊपर एलिगेशन है, दूसरी तरफ इतने दिनों से वो काफी वोकल रहे हैं, अपने सारे वर्ड्स रखे हैं, तो चाहे वो एसएसआर केस हो, कंगना रिलेटेड हो, दोनों बातें हैं। अनुराग कश्यप अपनी बात लिख रहे हैं कि मैं बहुत मुखर हूं इसलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं पायल के मामले को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और कहा है कि आप एफएसआर से इस पूरे मामले की शिकायत कर सकती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।